स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग 12 क्लास के लिए क्रैश कोर्स कर रहे हैं और क्रैश कोर्स में आज हम लोग 40वां दिन करने जा रहे हैं। 39 क्लास का सफ़र ख़त्म हुआ है, एक लंबा सफ़र है। 60 क्लास में हमने कहा था कि सारे मैथ ख़त्म करने वाले हैं, ये भी कहा था हमने कि 60 क्लास के पहले भी ख़त्म हो जाएगा। अभी तक सफ़र 3D तक पहुँचा है, 3D तक पहुँच चुके हम लोग, बिल्कुल सब कुछ पढ़ते हुए, इनवर्स मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, कंटिन्यूटी और डिफ्रेंसिएशन, अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन का लंबा सा जो समय चला था, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर वेक्टर पढ़ाया हमने, और ये 3D सब कुछ क्लियर हो रहा है। तो जो लोग जुड़े हैं उनको पता चल चुका होगा कि कितनी कहानियाँ ख़त्म है और इससे क्या आपको फ़ायदा हुआ है, ठीक है ना। आइए आज हम लोग 3D में काफ़ी आगे बढ़ेंगे और काफ़ी अच्छे से कंसेप्ट को सीखेंगे, बहुत आगे चलना है आज। तो अगर आप 39 तक नहीं देखे हैं तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और लिंक मिल जाएगा आपको। और एक और बात सुनिए, जल्द ही आपको एक नया कोर्स मिलने जा रहा है, उस कोर्स के बारे में हमने बताया है, और जानना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिएगा। उससे मात्र 30 डेज में, 30 दिन में हम सारा मैथ पढ़ाने वाले हैं बढ़िया से और आपको समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, आज सीखेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ ए लाइन, रेखा का समीकरण। अब देखिए, जब भी किसी भी चीज़ के समीकरण की बात होती है, इक्वेशन की बात होती है, तो एक कंडीशन रहता है। तो कंडीशन क्या है इस लाइन का, क्या है कि पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से वो पास करेगा, एक पॉइंट से वो पास करेगा। और सुनिए, एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, और एक दिए गए वेक्टर से क्या होगा, दिए गए वेक्टर के वो पैरेलल होगा। अब सुनिए ध्यान से, एक ऐसे रेखा का समीकरण बताना है जो एक बिंदु से होकर गुजर रहा है और एक दिए गए सदिश के समानांतर है। तो देखिए, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है, इसलिए बढ़िया समझने का प्रयास कीजिए। चलिए पहले बात को समझते हैं। ऐसे ये हो गया आपका एक्स वाई, है ना, ऐसे लिखेंगे वाई जेड ये ओ। तो आप सुनिए जरा ध्यान से, बढ़िया से समझने का प्रयास कीजिए। एक लाइन है यहाँ पे, ये थोड़ा सा अच्छा से लिखेंगे लाइन को तो और अच्छा रहेगा, थोड़ा तिरछा। ये लाइन है जो एक वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। ये वेक्टर बी दिया गया है, ठीक है, पैरेलल है, ठीक है। इस पर एक पॉइंट है, या पॉइंट ले लीजिए, इसको ओरिजिन से मिला लेते हैं। तो जब भी लाइन की बात होगी तो क्या होगा, एक पॉइंट पक्का आपका आएगा P, जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड रहेगा, ठीक है ना, और उसके बाद इससे मिला देंगे हम लोग, ठीक है ना, क्लियर। बात समझ गए ना। तो इसी लाइन का आपको इक्वेशन बताना है। लाइन क्या है, AP का इक्वेशन बताना है। मान लीजिए L रख दिया हमने, तो दो तरीके से हम लोग लाइन लिखेंगे, लेकिन समझिए, इस पॉइंट से एक वेक्टर बनेगा, वेक्टर ए, ये हो गया पोजीशन वेक्टर आर, क्लियर। अब सुन लीजिए कुछ बातें, यहां पे वेक्टर बी को लिखते हैं हम लोग ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप, कंपोनेंट फॉर्म में, क्लियर। वेक्टर ए जो है ये हो जाता है एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप प्लस जेड वन के कैप। सुन लीजिए, हम जब भी पढ़ाते हैं तो ऐसा समय देने पर ही आपको समझ में आता है, थोड़ा समय देंगे समझ में आएगा, आते ही आपको सब कुछ थोड़ा समझ में आ जाएगा। 3D चल रहा है, 3D इतना फार्मूला से भरा हुआ चैप्टर है ये, फिर भी चाह रहे हैं कि आपके दिमाग में सेट हो जाए। और फिर यह आर इक्वल टू क्या होता है, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, समझे ना बात। तो तीन बातें आपको समझनी है, काम देने वाला है इस
टॉपिक में आ गए। अब समझिए, दो तरीके से इक्वेशन लिखते हैं हम लोग। फर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे वेक्टर फॉर्म सदिश रूप। आप 3D निकालिएगा, 12 क्लास का जो बुक है एनसीईआरटी का, उसमें तब मिलेगा। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, R इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, ये हो जाएगा आपका किस में, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है ना। और आता है कार्टिजियन फॉर्म, CF कार्टिजियन फॉर्म, ये क्या होता है, तो x माइनस एक्स वन बाई ए, वाई माइनस वाई वन बाई बी, जेड माइनस जेड वन बाई सी, ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका कार्टिजियन फॉर्म, क्या हो गया, कार्टिजियन फॉर्म हो गया, समझ रहे ना। तो अब सुनिए ध्यान से, बात को अच्छा समझने का प्रयास कीजिए, ये दो चीज़ें आपको ज़्यादा समझना है, ठीक है। जिस चीज़ पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है उसी को हम टच कर रहे हैं 3D में, क्रैश कोर्स है ना, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पे देखिए, इस पे यहाँ पे LMN भी दिखाई देगा, वहाँ भी LMN भी दिखाई देगा। देखिए इसको हम लोग अगर लिखते हैं x माइनस एक्स वन, यहाँ नहीं हटेगा ना, नहीं हटेगा यहाँ पे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे हम टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो मतलब कि यहाँ पे LMN भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वही रहेगा, ठीक है ना, क्लियर। तो ये चीज़ आप समझ जाइए और स्क्रीनशॉट लीजिए, समझाने का प्रयास करते हैं आगे इस पे एग्जांपल। चलिए मिटा रहे हैं, थोड़ा शेयर कर दीजिए। चलिए अब यहां पे देखिए, समझिए क्या बात कर रहा है, उसको समझने का प्रयास करना है, कुछ क्वेश्चन ले रहा है आपके लिए। देखिए यहां पे क्या है, कह रहा है कि फाइंड द, एक क्वेश्चन लेंगे मजा आ जाएगा, फाइंड द VF, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन VF एंड CF, लाइन का इक्वेशन निकालिए VF एंड CF में, कार्टिजियन वेक्टर फॉर्म में और कार्टिजियन फॉर्म में, हो गया ना। इफ इट पासेज थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट से पास कर रहा है, पॉइंट मेंशन किया गया है 5-2-4, इस पॉइंट से पास कर रहा है, एंड पैरेलल टू द लाइन। अब इंग्लिश इतना लंबा चौड़ा इंग्लिश देखकर ना डरने को सकता नहीं है, समझा देंगे समझ में आ जाएगा। कौन लाइन के पैरेलल टू द वेक्टर, कौन वेक्टर के पैरेलल है, देखिए तो वेक्टर दिया गया है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप, इस वेक्टर के क्या है, पैरेलल है। देखिए सॉल्यूशन करते हैं, पहले समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है क्वेश्चन में फाइंड माने निकाले द इक्वेशन ऑफ ए लाइन, एक रेखा का समीकरण निकाले इन VF वेक्टर फॉर्म में एंड CF कार्टिजियन फॉर्म में भी। इफ यदि इट पासेज थ्रू द पॉइंट, ये गुजर रहा है किस पॉइंट से गुजर रहा है, इस पॉइंट से गुजर रहा है, एंड पैरेलल टू द वेक्टर, इस वेक्टर के क्या है, समानांतर है ना। कैसे निकालेंगे देखिए, यहां पे लिख देंगे a बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए इससे बन जाएगा क्या चीज, 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, ये मिल गया। उसके बाद देखिए ये बन गया आपका। अब एक और चीज कह रहा है क्या, कि वेक्टर दिया गया है तो वेक्टर बी कितना ले लेंगे हम, यही ना वेक्टर बी होता है 3i कैप 2j कैप माइनस 8k कैप, इसलिए VF वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म इज R इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, यही ना होता है। चलिए तो R का मान तो R रहेगा, कुछ दिक्कत नहीं है। A का मान कितना है, 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप और प्लस लेमडा
क्या b का मान है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 8k कैप। यही क्या हो गया हमारा, ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म। और अब सीखेंगे हम लोग कार्टेशियन फॉर्म। समझिए, जो पॉइंट दिया गया है ना यहाँ पे, जो पॉइंट मेंशन किया गया यहाँ पे, इससे क्या हो गया आपका पॉइंट वेक्टर बन गया। और ये पैरेलल वेक्टर दिया गया है, इक्वेशन तो आपको लिखाए थे, हम सिखाए हैं, इस पर सेट कर देंगे और काम बन जाएगा। कमेंट पर ध्यान मत दीजिए, आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट के चक्कर में रहते हैं और इसी कारण से क्या होता है, लेकिन मज़ा नहीं आता पढ़ाने में, है ना। पूरे सीरीज को तो फॉलो करके देखिए, हजार जगह घूमिएगा। वो हल्ला करने वाले शिक्षक में से नहीं है कि हे हो गया लाइक करो, ठोक दो, शेयर कर दो, ये क्या मतलब है यार। हल्ला करने से पढ़ाई होती है क्या? हल्का हल्का क्वेश्चन बताया जाता है, आसान आसान क्वेश्चन बताया जाएगा, लाइक कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, पूरे वीडियो में चलाएंगे और आपसे बात करेंगे तो घंटा नंबर आएगा आपका। ऐसे करेंगे तो बुरा मत मानिए, मतलब आपको ये सजेस्ट कर रहे हैं कि पढ़ाई की चीज़ है ये, इसमें अच्छा से समझना है, पढ़ना है, बात को फॉलो करना है। देखिए यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नाटक कीजिएगा, बोलिए बदमाशी बहुत करते हैं, बहुत शरारती लिखा सब है। चलिए अब वेक्टर फॉर्म होना गया, अब क्या आएगा, अब आएगा कार्टेशियन फॉर्म। अब लिखेंगे यहाँ पे अगेन पुनः आ जाइए, क्या है पुनः यहाँ पे आना क्या है अगेन, तो यहाँ देखिए x1 क्या हो जाएगा 5, y1 क्या हो जाएगा 2, z1 क्या हो जाएगा -4, a कितना होगा 3, बी कितना होगा 2, सी कितना होगा 8। अब इतना सारा डाटा मिल गया, आप घेरिएगा नहीं बता रहे हैं, तो लिखेंगे इसलिए इक्वेशन इज, समीकरण क्या होगा बालक, x-x1 / a, y-y1 / b, z1 / c। चलिए मान रखिए x-5 / 3, y-2 / 2 और z-4, तो क्या होगा z+4 / -8, और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अब जरा ध्यान से सुनिए, इस प्रकार से दिया रहेगा इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में, और आपसे पूछ देगा कि आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखिए, ये भी सीखना जरूरी है। चलिए सीखा जाए, घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है ना। चलिए नोट के स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, चलिए आइए यहाँ पे इस कपड़ा से नहीं मिटेगा। आगे बढ़े कि नहीं देखिए यहाँ पे, अब एक क्वेश्चन लेते हैं, कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सॉरी वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहाँ देखिए x-3 / 2 इज इक्वल टू y+2 / -5 इज इक्वल टू z-6 / 4। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा, ये कौन से फॉर्म में है, ये किस फॉर्म में है, यह CF में है, तो इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा। सुनिए कंपैरिजन किससे होने वाला है इसका, x-x1 / a, y-y1 / b, z-z1 / c, इससे होने वाला है। चलिए ए बी सी का मान तो दिख गया, लेकिन देखिए यहाँ पे एक्स वन क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, r बराबर, ऐसे लिखिएगा r बराबर
वेक्टर ए प्लस लेमडा बी, ऐसे लिख दीजिएगा। अब ए कैसे बनेगा, देखिए यहां से देखिए एक्स वन का मान क्या होगा, तीन होगा, तीन आई कैप। अब देखिए यहां प्लस दो है, लेकिन यहां पे कह रहे हैं कि वाई माइनस वाई वन होता है, तो माइनस दो रहा होगा तब तो प्लस दो है ना, माइनस दो रहा होगा तब तो माइनस, यहां माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा ना, तो यहां पे वाई वन का मान क्या होगा, माइनस दो होगा, तो माइनस दो जे, और यहां पे क्या है सिक्स है तो प्लस सिक्स के। अगर यहां पे प्लस में रहेगा तो आंसर क्या मिलेगा, माइनस में आएगा, और प्लस लेमडा इंटू ए बी सी का मान दो आई कैप पांच जे कैप प्लस फोर के कैप, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो वेक्टर फॉर्म में चेंज करना आसान है, हार्ड नहीं है, आसान है, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हम बात को समझने का प्रयास करते हैं, उसको और अच्छा समझिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आगे बढ़ें हम। अब यहाँ से एंगल के कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, ठीक है ना, एंगल कैसे निकाला जाता है, फिर उसके बाद तो फिर मतलब कि बहुत सारा चीज़ आएगा, बहुत सारा चीज़ है ना, एंगल बताना जरूरी है अभी आपको। स्क्रीनशॉट हो गया, चलिए तो एंगल पे कुछ क्वेश्चन आपको हम निकाल लेते हैं ताकि उस पर कोई दिक्कत आपको नहीं हो। आइए यहाँ पे एंगल पे कुछ क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। चलिए शेयर थोड़ा कीजिए ना अगर अच्छा लग रहा है तो, नहीं तो सिर्फ। चलिए आइए लिखेंगे यहाँ पे एंगल बिटवीन टू लाइंस, देखिएगा क्या एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस दो रेखाओं के बीच का कोण, एंगल बिटवीन टू लाइंस है ना। ध्यान से देखिए अच्छा से, यहां पे क्या है, दो गो क्या करना है, हमको लेना है लाइन, कैसे, तो R इज इक्वल टू ए वन प्लस लेमडा बी वन, क्लियर, ऐसे। और यहां पे क्या है ए टू प्लस म्यू बी टू है ना, ऐसे ले लेंगे हम लोग। ये दो क्या हो गया आपका, लाइंस हो गया, क्या हो गया, लाइंस हो गया। अब मान लीजिए कि एंगल कितना बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, दोनों के बीच का कोण कितना बन रहा है, थीटा। जरा ध्यान दीजिए यहां पे, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, जो वेक्टर डायरेक्शन शो करते हैं ना बी वन बी टू, उन्हीं के बीच के एंगल को लेते हैं, तो बी वन वेक्टर डॉट वेक्टर बी टू बाई बी वन का मॉड इंटू वेक्टर बी टू का मॉड, और यही क्या हो जाएगा आपका, शानदार हो जाएगा आंसर, है ना। अब सुनिए यहां पे सुनिए, इस पे क्वेश्चन लेते हैं हम एक, उसके बाद एक कंडीशन बताएंगे पैरेलल होने का, फिर परपेंडिकुलर होने का, तब जाकर क्या होगा क्वेश्चन बनेगा। इसको मतलब कि लिखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन बहुत सारा छांट के रखे हैं हम। चलिए क्वेश्चन से पहले एक बात समझिए, यहां पे देखिए ऐसे भी तो हो सकता है, लिखिएगा और करके कार्टेशियन फॉर्म में, x माइनस एक्स वन बाई ए वन, वाई माइनस वाई वन बाई बी वन, जेड माइनस जेड वन बाई सी वन, एंड एक्स माइनस एक्स टू बाई ए टू, वाई माइनस वाई टू बाई बी टू, जेड माइनस जेड टू बाई सी टू, है ना। तो यहां देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा, देखिए क्या कीजिएगा, ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन, सी वन है सी वन सी टू, तो ए वन ए टू बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू,
क्या कर देंगे हम लोग, ऐसे काम कर देंगे, ठीक है ना, इसका मॉड कर देंगे बाई ए वन का स्क्वायर बी वन का स्क्वायर सी वन का स्क्वायर, ए वन का स्क्वायर प्लस बी वन का स्क्वायर सी वन का स्क्वायर, ए टू का स्क्वायर बी टू का स्क्वायर सी टू का स्क्वायर, है ना। अब सुनिए, अब ये तो बात समझ में आ गया, अगर लाइन क्या हो पैरेलल हो, सुनिए लाइन क्या हो पैरेलल हो, पैरेलल भी हो सकता है एंड परपेंडिकुलर भी हो सकता है, परपेंडिकुलर मतलब लाइन क्या हो समानांतर भी हो सकता है और लंब भी हो सकता है, तो पैरेलल होता क्या हो जाएगा ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब पैरेलल की बात होगी समानांतर की बात होगी तो ये कंडीशन लागू होगा, जब जब लंब की ए वन ए टू है ये, जब लंब की बात होगी तो ये कंडीशन लागू होगा। समझ रहे हैं ना, तो इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग काम करेंगे। क्वेश्चन लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो काम चलेगा। आइए देखा जाए यहां पे एग्जांपल, फाइंड द एंगल बिटवीन, किसके किसके बीच एंगल निकालना है, देखिए क्वेश्चन दिया है यहां पे, दिया है एक्स माइनस फाइव बाई माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई प्लस थ्री बाई माइनस फोर, जेड माइनस सेवन बाई जीरो, ठीक है, एंड एक्स बाई वन वाई माइनस वन बाई माइनस टू और एक्स माइनस सिक्स बाई क्या चीज टू। अब सुनिए, ये रहा शानदार तरीका, ठीक है। अब इसमें क्या है एंगल निकालना है, सिंपल तरीका, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप पूछेगा, कॉस इक्वल टू क्या लिखेगा, देखिए मॉड माइनस थ्री इंटू वन माइनस थ्री माइनस फोर इंटू माइनस टू कितना होगा प्लस एट, जीरो इंटू टू जीरो बाई क्या होगा माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन फोर का स्क्वायर प्लस सिक्सटीन प्लस जीरो रूट, आज ये इसमें वन का स्क्वायर वन माइनस टू का स्क्वायर फोर टू का स्क्वायर फोर। अब देखिए ऊपर कितना हो गया माइनस आठ माइनस तीन कितना होगा पाँच होगा, तो पाँच बट्टा सोलह नौ पच्चीस, पच्चीस का पाँच आठ चार चार आठ एक नौ नौ का तीन कट गया कितना आ गया वन बाई थ्री आ गया। तो इसलिए थीटा इक्वल टू क्या होगा कॉस इनवर्स वन बाई थ्री हो जाएगा, कॉस इनवर्स क्या होगा वन बाई थ्री हो जाएगा, समझ रहे ना। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन दिया गया है एनसीईआरटी बुक में 11.2 में, ठीक है ना, उसको सर्च करके खोज के आपको काम करने हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बात बता रहे हैं और इस पे लिखिएगा, फाइंड लैम्डा इफ, दो लाइन लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, क्या है इफ एक्स माइनस क्या है वन बाई माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई माइनस टू बाई
क्या है, 2 लेमडा इज इक्वल टू जेड माइनस 3 बाई 2 एंड क्या है एक्स माइनस 1 बाई 3 लेमडा इज इक्वल टू वाई माइनस 1 बाई 1 इज इक्वल टू जेड माइनस 6 माइनस जेड बाई 5 आर इफ लिख दीजिए लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर क्या है एक दूसरे पर क्या है यह परपेंडिकुलर है ना क्या है परपेंडिकुलर है समझिए बढ़िया से यहाँ पे चलिए ठीक है देखिए जब परपेंडिकुलर है तो क्या होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है इस प्रकार से सबसे पहले देखिए कहाँ कहाँ फॉल्ट है ये भी सही है ये भी सही है ये भी सही है ये भी ठीक है ठीक है ना ये भी ठीक है ये भी ठीक है लेकिन जेड पहले चाहिए नहीं गलती दिया है तो गलती ने मैंने अरेंज करना पड़ेगा तो इसको क्या कर लेंगे हम लोग जेड माइनस 6 और माइनस बाहर निकलेगा नीचे चलाएगा मतलब माइनस का मान क्या ऊपर माइनस को भेज दिया भीतर अब क्योंकि क्या होगा परपेंडिकुलर तो क्या होगा ए वन ए टू बी वन बी टू सी वन सी टू जीरो के बराबर होगा तो इसीलिए माइनस 3 गुने 3 लेमडा प्लस 2 लेमडा गुने 1 प्लस 2 गुने माइनस 5 बराबर 0 तो क्या होगा ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू बराबर 0 तो कितना हो गया बोलिए माइनस 9 लेमडा 2 लेमडा माइनस 10 इज इक्वल टू 0 तो ये कितना हो जाएगा माइनस 7 लेमडा बराबर 10 लेमडा बराबर 10 बटा माइनस 7 मतलब माइनस 10 बटा 7 माइनस 10 बटा 7 क्या हो गया इसका आंसर हो गया तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है ना 3D पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है बहुत सारा बात होता है क्योंकि समझेंगे आप तब जाकर फायदा होगा ना तो कुछ और क्वेश्चन भी हम 3D पर लेकर बताते हैं आपको स्क्रीनशॉट लीजिए इसका ठीक है ना स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास कीजिए बहुत सारा चीज़ है बहुत सारा बात है ना आपके लिए मार्क भी करा रहे हैं क्वेश्चन कुछ हम मतलब बुक से और फिर हम कुछ क्वेश्चन दे भी देते रहे हैं यहाँ पे क्योंकि आप लोग बहुत बदमाश हैं बदमाशी कर रहे हैं अब बोलिएगा सर खाली बोलते रहते हैं मतलब कि आप लोग होमवर्क नहीं बनाते हैं ज़्यादा ठीक है ना बहुत तकलीफ की बात यही है और होमवर्क नहीं बनाएंगे तो भाई भाई कहने मतलब कुछ भी हो कितनों आप तेज हैं कितनों बढ़िया मेहनत कर थी मतलब कि ब्रिलियंट हैं समझने की क्षमता रखते हैं तो नंबर नहीं आएगा बुआ याद रखिएगा तो अगर ऐसा मतलब कि है बाजार आपका ऐसा बात है तो नंबर नहीं आएगा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब लोग मतलब कि अधिक से अधिक होमवर्क करने का प्रयास कीजिए चलिए एक और क्वेश्चन लेंगे मज़ा आ जाएगा ठीक है ना तो यहाँ से नया क्वेश्चन आपको हम नहीं दे रहे हैं यहाँ से मतलब कि फिर जब सीरीज कराएंगे ऑब्जेक्टिव तब देंगे इतना सारा बात आपको समझा दिए हम और आपसे रिक्वेस्ट है कि सब कुछ समझ कर अच्छा से बात को फॉलो कीजिए और जाकर NCERT बुक में आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे उसको सॉल्व कीजिए और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इस क्लास को शेयर कीजिए दोस्तों में सब्सक्राइब करिए चैनल को और अधिक से अधिक लाभ उठाइए चैनल पर इस चैनल पर जाके आप सर्च कीजिएगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ मिलेगा तो आप सबसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हाँ शेयर करना नहीं भूलना है जो सीरीज को देख रहे हैं वो सब लोग शेयर कीजिए और फिर हमारे आने वाले सीरीज का वेट कीजिए उस सीरीज पर भी आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला है।